शहद खाने में तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ये तो आपने सुना होगा। आयुर्वेद भी शहद को बेहद खास तवज्जो देता है, लेकिन क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते खाने या उसे लगाने के फायदों के बारे में सुना है? हम जान गए आपका जवाब। जी हाँ, आप अब सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे काम में आता है। तो आपको बता दें, मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो मधुमक्खियों के पेट की ग्रंथियों से निकलता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मधुमक्खी शहद बनाने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर तक उड़कर जाती है। वो एक बार में ही 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, फिर जाकर वो शहद बनाती है जो मधुमक्खी के छत्तों में पाया जाता है, जिसका आप लाभ उठाते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि मधुमक्खी का छत्ता भी उतना ही कारगर होता है जितना कि मधुमक्खी का मधु। तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के छत्तों के फायदों के बारे में। इसका पहला फायदा है, लिप बाम बना सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते से। जी हाँ, आप घर में ही शुद्ध होममेड लिप बाम बनाना चाहते हो तो मधुमक्खी से निकलने वाले वैक्स को नारियल तेल, कोको बटर या पेपरमिंट के तेल में मिलाकर लिप बाम बना सकती हैं, जिससे फटे होंठों से छुटकारा मिल जाएगा। हेयर फॉल को भी रोकता है मधुमक्खी का छत्ता। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो येलो पीली मधुमक्खी यानी कि इसका जो छत्ता है वो नारियल के तेल में मिलाकर अपने बालों में लगाने से हेयर फॉल रुक जाता है। वहीं कॉस्मेटिक में भी होता है मधुमक्खी के छत्तों का उपयोग। मधुमक्खी के छत्तों से निकलने वाला मोम बड़े ही काम का होता है। इसका उपयोग महम, बाम, पॉलिश, मोम और कॉस्मेटिक आइटम जैसे कि लोशन, क्रीम और लिपस्टिक आदि बनाने में किया जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि मधुमक्खी के फायदे कितने हैं और उसके छत्ते के भी कितने ज्यादा फायदे हमें मिल सकते हैं। तो आप भी छत्तों का इस्तेमाल कीजिए और अपने उपयोग में लाइए। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।